हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम्पल। मैं विवेक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़िए स्टार्ट करने की शानदार सी फिजिक्स की क्लास को। तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाओ सभी। जय हिंद, गुड इवनिंग, शेयर कर देना सभी लोग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी शानदार सी क्लास को। जैसे कि आपको पता है, 8 बजे जो ये हमारी क्लास होती है, ये आपका क्विज क्लास होता है। क्या होता है आपका क्विज क्लास? ये आपका क्विज की क्लास होती है, ठीक है। इसमें मैं एक तरह से कह सकते हो आपका टेस्ट लेता हूँ। जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, वो ऐप में बहुत टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिया है, यूट्यूब पे भी बहुत टॉपिक जो है जो आपको क्लियर करा दिया गया है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका एक तरह से कह सकते हो मैं आपका टेस्ट लेता हूँ। आपको करने के लिए समय दिया जाता है 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड के अंदर कह सकते हो एक लिमिटेड टाइम में आपका टेस्ट होता है। अब अच्छे से सर, और भी कोई क्लास होती है क्या फिजिक्स की? तो बिल्कुल, मेरी एक क्लास होती है 5 PM पे। 5 PM पर आपका एयरफोर्स नेवी के लिए शानदार सी एक क्लास होती है, जिसमें अभी मैं 12th सेक्शन का क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें आज मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराए हैं। तो आप लोग जो है उस वीडियोज़ को जरूर देखिए, और डेली 5 PM पर लाइव आइए, क्योंकि वो लाइव क्लासेस चलती है, ठीक है। तो 5 PM पर डेली आप लोग लाइव आया करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से बताना। बर्नौली का प्रमेय आधारित है, किस पर आधारित है? बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है बताइएगा? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, दाब संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। विच ऑफ द आंसर इज करेक्ट? फटाफट बताइए। चलिए, आपका समय समाप्त होता है अब। जैसे कि आपको पता है, मैंने ये आपको पढ़ाया ही है, बर्नौली किस पर आधारित है? तो यह आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो जिसका आंसर यहाँ पर कौन सा, जिसका आंसर यहाँ पर मेरे डियर सी आ रहा है, वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा आंसर। सांद्रता गुणांक की एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जल्दी से बताइएगा। केजी मीटर सेकेंड, केजी पर मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड क्यूब, के जी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? फटाफट बताइएगा। चलिए, आपका समय समाप्त होता है अब। चलिए देखते हैं, जैसा कि आपको पता है, सांद्रता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? अगर सांद्रता गुणांक का फॉर्मूला देखोगे तो ये होता है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। यही होता है, ये सर नो, अगर हिंदी में बात करें तो आपका प्रतिबल बटे कह सकते हो वेग प्रवणता। चलिए, प्रतिबल का क्या हो जाएगा भाई? फोर्स अपॉन एरिया, और वेग प्रवणता का du/dy, तो dy ऊपर चला जाएगा, क्लियर। तो du/dy ऊपर चला गया। अब यहाँ पर फोर्स के लिए क्या हो जाएगा बताओ? तो फोर्स के लिए आप कहोगे सर मास इंटू एक्सेलरेशन, कुछ यहाँ पर ऑप्शन kg में दिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट न्यूटन नहीं लिख सकता, तो इसको मैंने और तोड़ा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू dy अपॉन में ADU। अब रख निकालो यूनिट, मास का हो जाएगा kg, आपका एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, dy क्या है डिस्टेंस है, तो इसके लिए भी हो जाएगा आपका मीटर, एरिया के लिए मीटर का स्क्वायर, एरिया के लिए मीटर का स्क्वायर, और वेलोसिटी के लिए मीटर अपॉन में सेकंड, तो सेकंड चला जाएगा ऊपर, क्लियर है। चलिए ये देखिए, 2 मीटर से ये 2 मीटर चल बसे, 1 सेकंड से यह 1 सेकंड चल बसा, बचा क्या?
बचा आपका केजी, नीचे मीटर सेकंड। अगर ये अच्छे क्रम से लिखे थोड़ा सा, तो केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स कौन सा यूनिट हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देख रहे होगे बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? बी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। चले नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक पॉइस संयंत्र गुणांक के एसआई मात्रक का होता है। एक पॉइस जो है संयंत्र गुणांक के एसआई मात्रक का कितना होता है? 10 गुना बराबर होता है, एक का दसवां भाग होता है, एक का, अच्छा यहाँ पर देखना, एक एक का दसवां भाग, दोनों ऑप्शन एक ही दिया है। थोड़ा सा ये सी और डी ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलो आपका समय समाप्त होता है, अब आइए देखते हैं। आपको पता है अभी मैंने निकाला यूनिट क्या निकला था, एफ डी वाई अपॉन ए डी यू, यही फॉर्मूला था ना संयंत्र गुणांक का क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन, और डी वाई का करोगे तो मीटर अपॉन में मीटर स्क्वायर मीटर अपॉन सेकंड, सेकंड चला जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा ऊपर, मीटर से एक मीटर चल बसे, बचा क्या, न्यूटन सेकंड अपॉन में मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट है, या फिर इसको हम कहते हैं पास्कल सेकंड, पास्कल सेकंड ये इसकी क्या है, एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या होती है भाई? तो सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो, एक बार सीजीएस में कन्वर्ट करिए, सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो न्यूटन को कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा, डाइन, कितना डाइन, तो एक इस यहाँ पर एक मानेंगे, तो अगर एक न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन, सेकंड का सेकंड ही रहेगा, सेकंड में कोई परिवर्तन नहीं। बात करेंगे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10^4, क्योंकि उसका भी स्क्वायर कर दोगे तो 10^2 का स्क्वायर करोगे 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखोगे ये चल बसे, बचा क्या, बचा आपका 10 sin सेकेंड अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि डाइन सेकेंड अपॉन में, यहाँ पर जो आपका डाइन सेकेंड अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर है, यह आपका जो है पॉइस के बराबर होता है, कितने, 1 पॉइस, ये वाला यूनिट। तो यहाँ पर देखोगे ये कितना है, तो ये आपका 10 है, तो ये आपका हो जाएगा 10 पॉइस। तो यहाँ पर बात करोगे 1 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर कितना हो रहा है, 10 पॉइस, तो यहाँ पर अगर 1 पॉइस इक्वल टू पूछा है तो 1 पॉइस इक्वल टू हो जाएगा 1/10 न्यूटन सेकेंड अपॉन में मीटर स्क्वायर, मतलब एक का दसवां भाग, ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये था पूरा रिलेशन, क्लियर है। और यह याद रखना संयंत्र गुणांक की सीजीएस यूनिट संयंत्र गुणांक की सीजीएस यूनिट पॉइस होती है, ठीक है, संयंत्र गुणांक की सीजीएस यूनिट पॉइस होती है। संयंत्र गुणांक की बीमा बताइए, संयंत्र गुणांक की बीमा बताइए, जल्दी से बता दो। अभी देख लो, ये आपने निकाला है इधर यूनिट, ये आपका यूनिट निकला था केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इससे फटाफट आप बता सकते हो, बच्चों वाले को इस क्वेश्चन है। अभी आपने कितना यूनिट निकाला था बताओ, तो अभी आपने संयंत्र गुणांक का निकाला था केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही निकाला था। अब इसको डायमेंशन के फॉर्म में चेंज करोगे तो मास के लिए m1, मीटर के लिए l-1, सेकंड के लिए t-1, एम एल इनवर्स टी इनवर्स, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा m l-1 t-1, डी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ताप में वृद्धि के साथ अधिकांश द्रवकों के संयंत्रता क्या होती है? अगर आप ताप बढ़ा रहे हो तो लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, रिमेंस अनचेंज्ड, या फिर इंक्रीज फर्स्ट देन इंक्रीज, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, या फिर पहले बढ़ती है फिर घटती है, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए आपका समय समाप्त होता है। अब यहां पर बात करेंगे किसकी, वो बोल रहा है द्रवकों के, किसकी, लिक्विड के,
अगर बात करोगे विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ये किस पर डिपेंड करता है, ये किस कह सकते हो कि इसका मेन कॉज क्या है? सबसे पहले तो कारण ढूंढो। तो कॉज इसका है बाबू मॉलिकुलर कोहेसिव फोर्स, मॉलिकुलर कोहेसिव फोर्स कह सकते हो, आणविक ससंजक बल। ससंजक बल इसका मुख्य कारण है विस्कोसिटी की। अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ससंजक बल होता क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच का आकर्षण बल है ना, मतलब कह सकते दो मॉलिक्यूल के बीच का प्यार। अगर तापमान बढ़ाओगे तो कैसा भी प्यार हो, कैसा भी आकर्षण हो, वह क्या होगा, टूटेगा ही। तो जैसे टूटेगा मतलब ससंजक बल कमजोर हो रहा है, ससंजक बल कमजोर हो रहा है मतलब जो विस्कोसिटी का मेन कारण ही था वही कमजोर हो रहा है। तो विस्कोसिटी क्या होगी, जाहिर सी बात है कि विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताप बढ़ने पर गैसों की सहनता क्या होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो गैस की विस्कोसिटी क्या होगी, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं, डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन्स अनचेंज, नन ऑफ दिज, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट बताइएगा जल्दी से बताओ। चलिए आपका समय समाप्त होता है। अब किसकी बात कर रहे हैं भाई, किसकी बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपको देखना है विस्कोसिटी ऑफ गैस किसका मेन कॉज क्या है, कारण क्या है। विस्कोसिटी ऑफ गैस का अगर देखोगे, गैसों में सहनता का मुख्य कारण जो है, कॉज जो है, वह होता है मॉलिकुलर कोलिजन। क्या होता है, मॉलिकुलर कोलिजन, मॉलिकुलर कोलिजन जो है इसका मुख्य कारण है। अब बताओ जब आपका मॉलिकुलर कोलिजन मतलब आणविक टक्कर, आपस में ये टकराते हैं वही आपका सहनता है। तो यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, अगर तापमान बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है कि इन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी और ज़्यादा आ जाएगी, और जिसके पास एनर्जी ज़्यादा आती है वो कूदना स्टार्ट कर देता है, मतलब कह सकते हो वह जो है तेज़ी से, उसके पास अगर आपका कह सकते हो एनर्जी आएगा तो वो लोग तेज़ी से आप गति करने लगेंगे, जिसके कारण इनकी टक्कर जो है वो बढ़ जाएगी। अब मॉलिकुलर कोलिजन क्या हो रही है, बढ़ रही है। मॉलिकुलर कोलिजन क्या है, मेन रीजन है। तो जब रीजन ही बढ़ रहा है तो इसका मतलब विस्कोसिटी क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ेगा। तो विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या करेगा, विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, इंक्रीजेज या फिर बढ़ती है। क्लियर है। चलिए बच्चे अब देखिए, आपके लिए एक बहुत सा शानदार बैच आया है एनडीए फर्स्ट और सेकंड के लिए, ठीक है। ये बैच स्टार्ट होने वाला है 13 जुलाई से, तो जो बच्चे अभी तक भी इस बैच से ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। और इसमें आपकी शानदार क्लासेस चलने वाली है, जिसमें लाइव क्लासेस और पीडीएफ, उस क्लासेस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और कोई दिक्कत हो रहा है अगर कोर्स वगैरह में, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। CDS FCAT CAPF वालों के लिए भी हमारा एक सियाचिन बैच आया हुआ है, जिसकी क्लासेस भी 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। तो जो बच्चे अभी तक इसको भी ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर वो CDS की, FCAT की या फिर CAPF की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। अधिक जानकारी के मतलब कोई अगर डाउट हो या फिर कोई चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हो कोर्स लेने में, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये लोगे कहाँ से, तो या तो हमारे वेबसाइट example.com www.example.com से ले सकते हो, या फिर हमारे ऑफिशियल ऐप एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप से इसे परचेज कर सकते हैं। अब जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक्स वाई ग्रुप दोनों के लिए आपका टेस्ट सीरीज आया हुआ है। अब देखो तैयारी आपकी तो लगभग हो चुकी होगी, तो जो बच्चों की तैयारी लगभग हो चुकी है उनको अब फाइनल टच देने की ज़रूरत है, फाइनल टच अपनी तैयारी को। अब आपको स्कोर दे चेक करना है कि आप कितना, एक पेपर अगर पेपर वाइज हो रहा है, मतलब आपको उतना ही समय दिया जा रहा है जितना आपके पेपर में होता है, उतने ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जितना आपके पेपर में होते हैं, और वही लेवल रखा जा रहा है जो आपका पेपर का लेवल है, तो उससे आप पता चल जाएगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। और इससे जो है आप प्री कह सकते हो ना कि एग्जाम से पहले अगर अपना आकलन अगर कर ले रहे हो, तो उससे आपको और अपनी तैयारी को सुधारने का या फिर कह सकते हो अपने आप में इम्प्रूव करने का मौका मिल जाता है। तो आप जो है इस टेस्ट सीरीज को जल्द से जल्द ज्वाइन करिएगा।
इसमें आपको 10 एक्स ग्रुप की, 10 वाई ग्रुप की और 10 एक्स वाई ग्रुप की, मतलब टोटल एक तरह से कह सकते हो 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलने वाले हैं आपके जो भी ग्रुप्स के, आपको उस ग्रुप्स के, ठीक है। और ये बच्चा मात्र 199 रुपये में है, तो ज़्यादा आपको बर्डन भी नहीं करेगा, ज़्यादा आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत से नहीं होना, आराम से इस चीज़ों को आप परचेज कर सकते हो। जो बच्चे NDA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी हमारे टेस्ट सीरीज को, NDA के लिए भी टेस्ट सीरीज आ चुकी है, उसको आप लोग खरीद सकते हैं। एक टेस्ट सीरीज आपको फ्री है और उसके बाद 11 अगर आप परचेज करते हो तो 11 आपको पेपर फर्स्ट, 11 आपको पेपर सेकंड की फुल लेंथ टेस्ट दी जाएगी। और हाँ, आंसर्स इन जो दोनों टेस्ट के जो होंगे वो आपके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन के आंसर्स आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। और NDA कोर्स टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो आपका 299 है। जो अब ये क्विज का PDF कहाँ मिलेगा, तो इस क्विज का PDF आपका जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर ऑफिशियल में मिलेगा, ठीक है। इसको जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके लिंक पर क्लिक करोगे तो आप ज्वाइन कर लोगे। हाँ, एक बात याद रखना, एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर से सर्च मत करना, वरना आप एक फेक चैनल पर चले जाओगे। एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर ऑफिशियल जरूर लगाना, ये ऑफिशियल ना लगाने पर आप फेक चैनल पर चले जाओगे, तो आप इसे जरूर लगाइएगा। जो बच्चे अभी तक हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, और जो बच्चे हमारे पेज को लाइक नहीं किए वो हमारे पेज को लाइक कर देना। इससे पहले वाले जितने भी यूट्यूब पे क्लासेज होती थी उन सब के PDF अभी भी अवेलेबल है आपके एग्जाम फॉर ऑफिशियल ऐप पर, या फिर आप कोई भी नए कोर्स आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी आपको एग्जाम फॉर ऑफिशियल ऐप पर मिल जाती है, और यहाँ से आप आसानी से परचेज भी कर सकते हो। तो आप जो है जल्द से जल्द हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और साइनअप करिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है या फिर कोई जानकारी चाहिए आपके कोर्स से रिलेटेड, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज की क्लास को बच्चे यहीं तक रखते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम्पल कर विजय एग्जाम।